स्वागत है आपका विधायकों के कच्चा चिट्ठा शो में। आज हम आपको लेके आए हैं दिल्ली के बुधियार इलाके में। यहाँ के विधायक हैं मोहिंदर गोयल, आम आदमी पार्टी से। आइए जानते हैं लोगों से इनके बारे में कुछ राय। छात्रों से परेशान आगे, मैं कई दफा ये सोचता हूँ दोनों जने रस्सी में बंध के आत्महत्या कर दी। महिलाएं बड़ी परेशान है, आए दिन यह चैन टूटती है। पानी इतना गंदा आता है, बहुत ही ज्यादा पीने लायक नहीं है, कपड़े धोने लायक भी नहीं है। सर आपको क्या लगता है अभी मोहिंदर जी ने क्या कुछ काम करे और क्या कुछ कर सकते थे? मैं राजेश गोड, अपना प्रॉपर्टी का काम है मेन बाजार में बुद्ध विहार में, और जो महेंद्र गोयल जी ने जो ये सारी सड़कें खोद करके घेर दी है, जो भी मैंने देखा है बुद्ध विहार के अंदर हर गली के अंदर जो खुदाई कर दी है उसको ना दोबारा से ठीक करवाना, और दूसरा धूल मिट्टी इतनी है कि जितने भी दमे के मरीज हैं, सांस के मरीज हैं, और दूसरा वो परेशान है, और जितने भी ये जो CCTV का जो ड्रामा इन्होंने किया है वो कोई भी चालू नहीं है। और मैंने ये देखा कि भाई बाजार के अंदर कोई किसी प्रकार का जो शरारती तत्व घूमते हैं उस पर किसी प्रकार का वो लगाम नहीं लगा रहे, और दूसरा ये है कि भाई इसमें अपना पानी गंदा आ रहा है, पानी के अंदर किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, सारे नालियाँ जो वो नालियों के अंदर पाइप जो है ना वो लीकेज है, बड़ी परेशानी हो रही है। और दूसरा ये जो जितनी भी यहाँ बुद्ध विहार के अंदर जितनी निकासी है मेन रोडों की, किसी के अंदर मैंने नहीं देखा कि कहीं भी कोई सुविधा है, सब रोड टूटे पड़े हैं। जो कुलवंत राणा ने इससे पहले जो रोड बनवा दिए थे वो बनवा दिए थे, उसके बाद एक भी गली खड़ंजा महेंद्र गोयल ने नहीं बनवाए हैं। महिलाएँ बड़ी परेशान है, आए दिन यह चैन टूटती है, जो शराब भी है अपने शराब के ठेके से शराब लेते हैं, और महिलाओं को अब ये अपने भाषा का गलत प्रयोग करते हैं, और गली मोहल्लों में जो है वो महिला सुरक्षित नहीं है। तो इसके लिए मोहिंदर जी क्या कुछ कर सकते हैं? इसके लिए महेंद्र जी जो है यहाँ पे स्टाफ लगवा सकते हैं, दिल्ली पुलिस का स्टाफ लगवा सकते हैं, जो शराब के ठेके बंद करवा सकते हैं, और उसके बावजूद मैंने देखा कि जो कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर सकते हैं वो, लेकिन वो चाहते नहीं। मैंने तो कभी महेंद्र गोयल को यहाँ देखा ही नहीं है, महेंद्र गोयल यहाँ कभी भी उनको, मैंने तो अब सोच रहा था गुमशुदा की मैं रिपोर्ट दर्ज करा दूं कि मैं हमारे यहाँ पे जो महेंद्र गोयल जी थे वो यहाँ पे लापता हो गए, उनके पोस्टर निकलवा करके और मैं लगवा दूँ, मेरा ये विचार चल रहा था मन में। शायरी महेंद्र जी से हमने 500 बार कह कह के देख लिया, इस गली का वो सुधार है नहीं, वो ये कहता है कि ये हमारा नहीं, ये निगम परिषद का काम है, ये निगम परिषद कराएगा, और उनके पास जा के हम जो इतने परेशान हुए, बुढ़ापा मेरा वैसे मेरे जवान लड़का चला गया, मैं इतना दूर के हाथ जोड़ जोड़ के परेशान हो, मोहल्ले में कोई उठ के राजी नहीं, मैं अकेला आदमी कहाँ तक, मैं अभी तक सर्विस कर रहा हूँ जहाँ खड़े थे ना उन्हीं के पास सर्विस कर रहा हूँ जहाँ बैठे थे आप। महेंद्र गोयल जी ने वैसे बुद्ध विहार में डाला विधानसभा में काम थोड़े कम कराए हैं, बाकी जितने उसको सरकार थी ना वैसे काम नहीं। अच्छा, तो मतलब अगर मोहिंदर जी के आने वाले वक्त में यहाँ पर आ सकते हैं? हाँ, वो देखो बीजेपी की टिकट किसको मिलती है उसके मुकाबला देखो कराया जाएगा, किससे मुकाबला होता है। अच्छा, अगर आप उनको अंक देना चाहें 1 से 5 के बीच में, रेटिंग देना चाहें, तो आप कितने देंगे? महेंद्र गोयल को 3 नंबर। जो मोहिंदर जी ने वादे किए थे यहाँ पर, जो आपके विधायक ने वादे किए थे, क्या उनको पूरा किया गया है? कुछ हद तक तो वादे पूरे किए गए हैं, लेकिन जो जैसे इन्होंने कॉलोनी की सफाई के लिए या रोड के लिए बोला गया था तो उसमें कुछ हद तक कामयाब नहीं हो पाए हैं। जैसे गलियों में सीवर के कनेक्शन डाले गए तो सीवर के कनेक्शन भी के पाइप भी बहुत छोटे डाले गए, साथ के साथ ना रिपेयरिंग करी गई, रिपेयरिंग करी जाती तो पोल्यूशन नहीं होता, धूल नहीं उठती, अब वो गड्ढे एज इट इज छोड़े हुए हैं उनकी बस, हालांकि बराबर कर दिया गया है थोड़ा बहुत, लेकिन बिल्कुल भी उससे कोई फायदा नहीं हुआ है, पाइप भी छोटे हुए हैं, ये तो एक लोक दिखावे वाली बात हो गई है। मोहिंदर जी यहाँ पे आते होंगे लोगों के बीच, तो क्या कभी आपने उनसे बात में इस बारे में कुछ बात करी? बहुत कम, ना के बराबर दिखाई दिए हैं हमारी कॉलोनी में, ये मुश्किल से 1-2 बार कभी रस्ते में निकलते हुए दिखाई दिए गए हैं, कहीं पर ना कोई मीटिंग हुई है ना कोई जनसभा की गई जिसकी वजह से वो हमें दिखाई दे, हम उनसे रूबरू हों, अपनी शिकायत कर सकें। तो आप उनको 1 से 5 के बीच में क्या रेटिंग्स देंगे? 1 या 2 पॉइंट तक ही दे पाएंगे, क्योंकि ऐसा कुछ खास बदलाव लगा नहीं है, जो पहले विधायक जी थे जिन्होंने कितना काम किया था उसके मुकाबले अब कुछ भी नहीं किया गया। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर मोहिंदर जी ने क्या कुछ काम करे हैं और क्या कुछ यहाँ पे वो कर सकते थे? कुछ नहीं किया 5 वर्ष में, आज तक बुद्ध विहार के अंदर एक सिंगल काम भी गिनवा दे के महेंद्र गोयल ने यहाँ पर किया हो, बल्कि जो भारतीय जनता पार्टी के टाइम में काम हुए थे
जो रोड बने थे वो रोडों को पाड़ के डाल दिया। अब ड्रामेबाजी कर रहे हैं जी, हम सीवर लाइन डाल रहे हैं नॉर्थराइज में, दुनिया भर की ड्रामेबाजी कर रहे हैं। सीवर लाइन चल के आप मेरे साथ गलियों में देखिए, उनका जो साइज सीवर लाइन का है ना, वो हम लोग आम लोग घरों में डालते हैं, वो तो मेन मार्केट और गली में तो निकलेगा क्या। एक भी सिंगल काम बुद्ध विहार में नहीं हुआ। बुद्ध विहार की दयनीय दिशा है, आप जिधर से निकलोगे बहुत बुरा हाल है, निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। शमशान घाट वाला रोड था, हमने इतना बढ़िया रोड करवा दिया था, सारा रोड तोड़ के डाल दिया, किसी तरह का कोई भी काम नहीं हुआ, सिंगल काम भी नहीं करवा पाए ये लोग। और आपका क्या कहना है इस बारे में? कोई काम नहीं हुआ, सफाई कूड़ा कुछ भी काम नहीं हुआ बिल्कुल भी। तो आप अगर उनको रेटिंग देना चाहेंगे 1 से 5 के बीच में, आप उनको क्या रेटिंग देंगे? मतलब 1 सबसे बुरा है और 5 सबसे ज्यादा अच्छा है, तो आप क्या रेटिंग देंगे? 1 से नीचे भी कुछ होता है क्या? अगर 1 से नीचे कुछ होता है तो वो 0 होती है। बहुत कुछ किया मैंने, काम कैमरे भी लगाया, गेट भी लगवाए हैं, सीवर लाइन भी डलने लग रही है, बहुत कुछ करा, बड़े बुड्ढों के लिए तीर्थ यात्रा भी करवा रहे हैं, बहुत अच्छा काम करे, जितनी भी सरकार बनी उससे अच्छा काम करा है। इतना काम आज तक किसी विधायक ने नहीं कराया जितना इन्होंने कराया, महेंद्र गोयल जी ने। अच्छा। कुछ काम नहीं किया, खाली अभी आके मूर्ख कर दिए बस। आज अभी तक बुद्ध विहार की कोई सड़क नहीं बनी, जो कुलवंत राणा ने काम किया यहाँ पे कोई MLA नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। तो आप कितनी रेटिंग देंगे उनको? हैं, मैं तो उनको 5 दूंगा। 5 0 में से, मतलब 5 सबसे अच्छा नंबर है? नहीं, 5 हम 1 से 5 तक के पूछ रहे हैं। आप 5 में तो फिर 2 ही मिलेंगे। अच्छा, और आप कितनी रेटिंग देंगे सर? पूरे 100% पूरा पति। और आप? काम की बात है, सीवर लाइन डल रही है, सीवर का काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, सड़क कहाँ से बना देंगे? तो आप उनको आने वाले वक्त में क्या उनको वोट देंगे? सपोर्ट करेंगे, पूरा सपोर्ट देंगे, दिलवाएंगे भी। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर मोहिंदर जी ने क्या कुछ काम करे है और क्या कुछ वो कर सकते थे? इन्होंने आप कुछ नहीं किया, बिजली के बिल भी क्या बोलते हैं, गरीबों से लेकर मीडियम आदमी के ऊपर बोझ डाल दिया उनका, जो 200 रुपये देकर फैक्ट्री के घरों के रेट बढ़ा दिया, उनको फ्री कर दिया, यानी कि बढ़ावा दे रहे वो, उनको क्या बोलते हैं, और लो क्लास को बढ़ावा दे रहे, काम करते खुशी नहीं आज के टाइम में कोई भी। तो यहाँ पर जैसे सीवर की बात करी इन्होंने, आधे लोग कह रहे हैं कि सीवर यहाँ पर बन रहे हैं और आधे कह रहे हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। सीवर सारे रोड बेकार, और अब तो सारे रोड बेकार है यहाँ के, सब उबड़ खाबड़ रोड, कहीं से निकलने का रास्ता ही नहीं है। और आपका क्या कहना है सर? वो तो गवर्नमेंट ने बंद करा दी ना यार, एक बार सीवर डलेगा तभी तो बनेगी ना, ऐसे कैसे बनेगी। आपको दिख ही रहे हैं कोई काम तो हुआ नहीं है, आपको दिख रहा है सारी गली नाली से भरी भरी कूड़ा उड़ा हो रहा है, आप अब देख ही आए हो, आप पहले आप खुद ही देख आए हो, फोटो वोटो खींच लिया आपने, और आप क्या कह सकते हैं, आपके आंखों के सामने खुद ही है सारी चीज़। तो यहाँ पर आपकी शॉप है यहाँ पर? अच्छा, तो यहाँ पर आपकी जो शॉप है, तो इसके लिए हमने सुना था शॉप्स को ये CCTV कैमराज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपकी शॉप को क्या CCTV कैमरा मिला और क्या कुछ आपकी शॉप के लिए करा गया है? मार्केट में लगे, वैसे दुकानों के लिए नहीं लगे, स्पेशली मार्केट के लिए लगे हुए, ये पता भी नहीं चालू है कि नहीं है, हमें इतना पता नहीं, वैसे अब लगे है, हफ्ता 2 हफ्ता ही हुआ है लगभग। अच्छा, तो अगर आप उनको रेटिंग्स देंगे तो आप उनको कितनी रेटिंग्स देंगे 1 से 5 के बीच में? 2। पूरे रोड खराब करके छोड़ दीजिए एक, तो पहली बात तो ये है, बिल्कुल रास्ता नहीं आने जाने के लिए बुजुर्गों के लिए, ये गाड़ी चलाने के लिए बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, और पानी इतना गंदा आता है बहुत ही ज़्यादा, पीने लायक नहीं है, कपड़े धोने लायक भी नहीं है। और आपके क्या कहने है? काम तो बहुत अच्छा करा जी, बहुत अच्छा। तो क्या कुछ काम करा है उन्होंने? क्या नहीं करा है बताओ, सब कुछ सीवर देखो, अब जेक बार बताओ, कोई भी चीज़ खुदेगी तभी तो तैयार होगी, सीवर डलेगा ऊपर से तो डलेगा नहीं, डलेगा तो नीचे से, काम करेंगे तभी तो देखो तैयार, हर गली में गेट लगा दिए, हर गली में काम कर रखा है, हर चीज़ की फैसिलिटी दे रखी है, और क्या, पानी इतना मीठा है, 24 घंटे पानी है, बिजली की मौज है, अब जैसे कह रहे हैं मीटर नहीं लगा रहे, मीटर भाई ये लोग रह रहे हैं बिना बिजली के, तो ना रह रहे हैं। तो आप कितनी रेटिंग देंगे मोहिंदर जी को? मैं तो 100 में से 100 है जी उसको। अच्छा, और आप कितनी रेटिंग देंगे मैम 5 में से? 5 तक 0।